पापा इंस्ट्रक्शन से नो स्टैंड बाई रिलीज। इसमें बहुत से मैंने नोट्स वगैरह देखे हैं, ठीक है ना, भाइयों ने किताब में भी देखे हैं कि कैपेसिटर बदल देना या बदल देना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी भी जब कोई फॉल्ट होता है आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ बदल देना। हो सकता है कि किसी फॉल्ट में वो बदलने से हो जाता हो, लेकिन हर बार वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। मैंने भी एक किताब देखी थी, एक स्टूडेंट लेकर आया था, कहीं से अरेंज करी थी, उसमें लगा था सेट स्टैंड बाई में है तो 12 वोल्ट पैनल पे जो कैपेसिटर रखे हैं वो बदल दो। हो सकता है कि किसी फॉल्ट में वो वोल्टेज डाउन हो या फ्रिक्वेंसी अच्छी ना हो, उसकी फिल्ट्रेशन सही ना हो रही हो सकता है, लेकिन हर बार वो लागू नहीं होगा। अगर सॉफ्टवेयर में दिक्कत है तो कैपेसिटर बदलने से हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं होता है, स्टेप सारे फॉलो करने पड़ते हैं स्टार्टिंग से। मैं बता रहा हूँ आपको, सेट अगर आपका ऑन नहीं हो रहा है, सप्लाई सब बन रही है तीनों, तो पहला स्टेप क्लीन एंड वॉश, ये तो है ही, ठीक है, वो तो आपको हर फॉल्ट में करना है, सेक्शन को साफ करना ही है, ठीक है ना। बारह आ रही है, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा कर देखो, नहीं वो वोल्टेज से ही हो रही होगी, थोड़ा एक वोल्ट एक डेढ़ दो वोल्ट और बढ़ा लो, 14 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हीटिंग चेक करो, इसके जो डायोड है सारे सप्लाई के वो तो हीट नहीं हो रहा है ना, SMPS से लगा इस पे सोल्डिंग मार दी, हल्के तो हीट होंगे, वो तो उनका काम है। और कैपेसिटर उस पर जुड़े लगे, अरे मैं बताऊँ, अच्छा एक चीज होगी मैं भी बताता हूँ, हुआ यह है जो डायोड जो है ना, ये आपने सीधा डायोड से कनेक्शन दिया है, फिल्टर नहीं लगा हुआ है, फिल्टर तो वोल्टेज नहीं पहुंच रही है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रही इस समय, समझ लो फिल्टर कनेक्ट होना चाहिए, मैंने काट दिया है ना फिल्टर। तो सेट आपका अगर रिलीज नहीं हो रहा है स्टैंड बाई में, सप्लाई भी ओके है, आपने चेक कर लिया, तो पहला स्टेप क्लीन एंड वॉश मतलब कंपल्सरी हो तो करना ही है हर फॉल्ट में। पहला स्टेप होगा आपका चेंज पैनल मॉस्फेट, क्या चेंज पैनल मॉस्फेट, मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ जब सेट आता है, ठीक है, ये नहीं होता है कि मैं यही बदल दूँ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता कभी किसी भी फॉल्ट में। हो सकता है एक फॉल्ट हो जिसमें पहले से हो, हाँ ये कर दो, ये जो डिस्प्ले वही है क्या ले रहा है ना, मेरा पैनल मॉस्फेट मतलब इसे बोलते हैं, ये लगा है ना पैनल की सप्लाई बाईपास करता है, नहीं नहीं पैनल किस पे जा रहा है, पैनल तो हम ऐसे इसको बोलते हैं, मतलब जो पैनल वोल्टेज है ना, अच्छा डिस्प्ले को बोल पैनल को, हां डिस्प्ले जो ऑन करने के लिए पूरा आउटपुट पैनल, तो यहाँ पैनल की वोल्टेज बनती है, इसी पे एक मॉस्फेट लगा होता है हमेशा कंपनी का या लोकल हो लगा होता है। तो ये सबसे पहले चेंज कर दो, बात नहीं बनती है, मैं कह रहा हूँ बात नहीं, अगर बनती है वैसे हो जाता है और कई बार नहीं भी होता है। तो उसके बाद आप करोगे चेंज सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा आपको, बात उससे भी नहीं बनती है तो फोर्थ आपका ऑप्शन होता है, हाँ चेंज लिख रहा हूँ और मैं, ठीक है, रिपेयरिंग करने में प्रोफेशनली मैं आपको जमीनी बात बता रहा हूँ कि ये नहीं होता ना मीटर से घंटा उसको चेक करता रहूँ, ये ऐसा कुछ नहीं होता, सेम बोर्ड रखो, सुबह हम काम कर रहे थे कैसे कर रहे थे, इतनी देर में मीटर लगा चेक करोगे उतनी देर में बदल दूंगा उसको, समझ रहे हो, मीटर का चेक करा हुआ जमीनी हकीकत ये है कि कन्फर्म नहीं होता कि आप मीटर ने कहा कि ये चीज़ सही है तो वो सही ही हो, डाउट हो जाता है, यही वजह है कि जो नॉर्मल इंजीनियर होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं और उन्हें किसी प्रोफेशनल के पास जाना होता है, प्रोफेशनल ये नहीं देखता कि वो चीज़ चेक कर रहा है मीटर से सही है तो वो ना बदले, नहीं वो बदलेगा, उसे पता है कि फॉल्ट इस सेक्शन का है तो हो सकता है ये खराब, तो चेंज लिख रहा हूँ मैं, चेक नहीं लिख रहा किसी लेवल का, और चिप लेवल का ऐसे ही होता है, चेक नहीं होता है, चेक सिर्फ सप्लाइयाँ करी जाती हैं और कन्फर्म किया जाता है कि फॉल्ट है किस सेक्शन से, उसके बाद फिर चेंज ही होता है, ठीक है, तो चेंज आपका पैनल मॉस्फेट रिलेटेड ट्रांजिस्टर मॉस्फेट रिलेटेड ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये जो मॉस्फेट लगा होता है इससे जो गेट पे सिग्नल आता है, पहले सीपीयू से यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, देखो इसमें भी लगा हुआ है, ये लगा है, पहले इस पे पहुंचता है फिर ये इसको हैंडल करता है कंट्रोल करता है, तो अगर ये तीन स्टेप से क्लियर नहीं हुआ है तो चौथा ये ट्रांजिस्टर या इस मॉस्फेट से जुड़े जो पार्ट्स हैं रजिस्टर वगैरह वो भी हो सकते हैं, चेंज ही करनी होगी, ठीक है,
जब भी रैम नहीं बनती है तो लास्ट ऑप्शन है सीपीयू। क्या है? लास्ट ऑप्शन सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू रिलेटेड पार्ट, अब रिलेटेड में मतलब आसपास के पार्ट आपको चेंज करनी है, बहुत बारीकी में चला लेंगे, ठीक है। ये है कन्फर्म और तरीके का आपके जो स्टेप है, आपको स्टेप फॉलो करने होंगे किसी भी फॉल्ट में। अगर आपके पास साइट में आवाज नहीं आ रही तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऑडियो ऐसी खराब बदल लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके भी कुछ स्टेप होते हैं, वो फॉलो करने होंगे। फर्स्ट की चेक स्पीकर, अगर वो ओके है तो सेकंड चेक ऑडियो इन, अगर वो ऑडियो इन नहीं आ रही है तो उसके कुछ स्टेप होते हैं कि कैसे करना है, अगर वो आ रही है तो तीसरा स्टेप होता है चेक ऑडियो आउट। तो स्टेप होते हैं उससे फॉल्ट क्लियर होता है, आपको सारे फॉलो करने होते हैं। फिलहाल यहाँ पांच स्टेप में ही फॉलो करोगे 99% 100% कुछ नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक में, सेट ऑन हो जाए। इतने स्टेप आज जो सुबह सेट हमने देखा है उसमें सारे स्टेप फॉलो हो चुके हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर वाला रह गया है। मैं तीसरा स्टेप ये फॉलो करता लेकिन मैंने पहले बाद वाले कर लिए क्योंकि सॉफ्टवेयर लैपटॉप नहीं है। स्टैंड में मतलब आपका सेट डेड है, डेड नहीं, डेड वो होता है जिसमें एलईडी जो है ना सामने इंडिकेटर है वो भी ना हो, ना हो ये वो डेड होता है। क्या सामने इंडिकेटर जलता है, इंडिकेटर जल रहा होगा सेट खोलने के बाद। ये सप्लाइयां जो है पीछे जो मैंने दिखाई है ये वाली, ये सब बन रही होंगी लेकिन सेट फिर भी रिलीज नहीं हो रहा होगा। ये वोल्टेज नहीं आ रहा, रिमोट से ऑन करके बटन से दबा के नहीं हो रहा है, तब ये स्टेप फॉलो करने जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और इसके बाद बता रहा हूँ जो स्टैंड बाई के बाद ऑन होने के बाद जो सप्लाइयां आती हैं, ठीक है, क्या जो सप्लाइयां आती हैं एलवीडीएस की इन पिनों पे, इन पिनों पे ये जो पिन है ये दो पार्ट में होती हैं, एक पार्ट इसका होता है आउट, ठीक है,